अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा स्टडी टॉपिक है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड द है। द मोस्ट कॉमन वर्ड इन इंग्लिश इज द। रिदम एक ऐसा वर्ड है जो विदाउट वावल है और ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लॉन्गेस्ट विदाउट वावल वर्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज का लॉन्गेस्ट वर्ड निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्लीको वॉल्केनो कोनियोसिस है, जो 45 अल्फ़ाबेट पर बेस्ड है और ये एक लंग डिजीज़ है। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक वर्ड है जो एम टी पर एंड होता है और वो है ड्रेम्ट। ड्रीम का सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ ड्रीम, ड्रेम्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है अंग्रेज़ी में सबसे ज़्यादा रॉन्ग प्रोनाउंस किया जाने वाला वर्ड कौन सा है? द मोस्ट रॉन्ग प्रोनाउंस्ड वर्ड इज प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जिसमें 5 कॉन्जिक्यूटिव वॉवल्स आते हैं और वो वर्ड है क्यूविंग, क्यूविंग, क्यू यू ई यू ई आई एन जी, क्यूविंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के शुरुआती दो लेटर्स अल्फ़ा और बीटा से मिलकर बना है। अल्फ़ा और बीटा से मिलकर अल्फ़ाबेट बना है। दोस्तों, सिर्फ दो इंग्लिश वर्ड्स है जो जी आर वाई पर एंड होते हैं, वो है एंग्री और हंगरी। फ्रेंड्स, द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश विच डजंट यूज द लेटर ई इज फ्लॉक्सी नॉसी निहिलिप्लीफिकेशन। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा वर्ड जिसमें ई का यूज़ नहीं किया गया वो है फ्लॉक्सी नॉसी निहिलिप्लीफिकेशन।